और उत्तराखंड के अलग अलग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मार ली। ज्यादातर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई को हार का सामना करना पड़ा। देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मनीषा राणा ने जीत दर्ज की, जबकि देहरादून के डीबीएस कॉलेज में एबीवीपी के मोहन प्रसाद ने जीत हासिल की। पिथौरागढ़ के एलएसएम महाविद्यालय गोपेश्वर कॉलेज डीबीएस कॉलेज नैनीताल में हुए छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने जीत हासिल की है। जीत के बाद जश्न मनाते एबीवीपी छात्र संघ के समर्थक और नेता देहरादून और चमोली से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। दरअसल ये छात्र संघ चुनाव के परिणाम के बाद की कुछ तस्वीरें। इस बार संगठन ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मैंने विजयश्री भी हासिल की। मैं संगठन की हर चुनौती पर खरा उतरूंगा। जो जिस चीज़ के लिए संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं छात्रहितों के लिए सदैव कार्यरत रहूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने मित्रों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। संपूर्ण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उस पैनल को जिताया है जिसने इस महाविद्यालय में परिवर्तन की एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ आज छात्र संघ चुनाव हुआ जिसमें हमारे यहाँ 692 बच्चों ने 692 स्टूडेंट्स ने वोट डाला, जिसमें अध्यक्ष पद पे त्रिभुवन बेलवाल 54 वोटों से आगे रहा। बाकी सभी पदों पर उपाध्यक्ष पद पर नवल कुमार, प्रिया पंत, अंजलि, आयुष उपाध्याय, पवन सिंह मेहर, शिवानी जोशी, ये सभी विजयी कैंडिडेट रहे।